पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान हादसा हुआ। दरअसल टनल की खुदाई के दौरान मिट्टी निकालने वाले लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे 8 लोग मशीन की चपेट में आ गए, तो वहीं 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई और अन्य मजदूर फिलहाल घायल हो गए। हादसे के बाद से टनल निर्माण का काम रोक दिया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष ने मौके का जायजा लिया है, उस पर एक नजर। पटना मेट्रो में 2 व्यक्ति की जान चली गई। देखिए, पटना मेट्रो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण L&T के द्वारा किया जा रहा है, जो पटना के गांधी मैदान इलाके में जो निर्माण हो रहा था, इसमें मिट्टी में दबने से 2 लोगों की जान चली गई है। ये देखिए, वही लोडर्स हैं, उसके आगे एक लोको था। ये वो लोको होता है जिसमें कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो आगे जाते हैं, और इसी लोडर के अंदर जो है मिट्टी दबा हुआ था, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान जो है वो चली गई। अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये रेलवे का नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इसी 2 बोगियों में जो है मिट्टी रखा जाता है अंदर खुदाई के बाद, और इस मिट्टी को बाहर निकाला जाता है ताकि जो अंदर साफ है वो किया जा सके और अंदर तक खुदाई की जा सके। दूसरी तरफ देख सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मशीनरीज लगी हुई है जो इस मिट्टी को बाहर निकालती है। चश्मदीदों का कहना है कि कल देर रात इस जो टनल है इसके अंदर 6 से 7 व्यक्ति थे, लेकिन जब मिट्टी बाहर निकाली जा रही थी तो ब्रेक फेल हो गया, और ब्रेक फेल होने की वजह से लोडर जो है वो सीधा जाकर टकरा गया और 2 व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि सिर्फ 2 व्यक्ति की जान ही नहीं और 6 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। और ये टनल की अगर बात की जाए तो 100 मीटर से ज़्यादा अंदर तक इसकी खुदाई हो चुकी है, और अब कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में ये खलबली मच गई जब ये 2 व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि और 6 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वरना हम वो तमाम तस्वीरें दिखाते किस तरीके से टनल जो हैं वो बने हैं, टनल के निर्माण की गुणवत्ता दिखाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो देख सकते हैं किस तरीके से ये टनल जो है अंदर जा रहा था, और इसी टनल के अंदर दबने की वजह से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि टनल की खुदाई रात 9 बजे हो रही थी, जब लोडर के पीछे 2 और बोगियां लगी हुई थी, जिसे मिट्टी को टनल से बाहर लाया जा रहा था। उसी दौरान लोडर का ब्रेक फेल हो गया और यह घटना हुई है। तो वहीं न्यूज़ स्टेट संवाददाता उत्कर्ष ने लोगों से भी इस पूरी घटना को लेकर के बातचीत की है। पटना में मेट्रो टनल के निर्माण में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कई लोग हैं जो इसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। आप यहीं पर काम करते हैं? जी हाँ, यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार शर्मा। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए कि ये किस तरीके से हादसा हुआ? आप बता रहे थे कि नीचे एक इंजन होता है, एक लोको होता है, क्या होता है? लोको इंजन होता है। हाँ, वही ब्रेक फेल है, सुने कि ब्रेक फेल हो गया है। अच्छा। हाँ, हम तो दिन में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो ये क्या चीज़ होता है, इंजन से क्या काम होता है, ये कहाँ पे जाके ब्रेक? इंजन जाके अंदर जाती है। अच्छा। अंदर से थी मशीन के द्वारा वो डब्बा में मिट्टी गिरता है और उसको से बाहर लाया जाता है। ये किरान है ना। हाँ। किरान ऊपर खींच के वो हाथी में डाला जाता है। जो वो लोको होता है वो मिट्टी खींच के अंदर से बाहर लाता है और उसको बाहर फेंका जाता है। तो उस इंजन का जो है वो ब्रेक फेल हो गया। तो अंदर कितने लोग? उसमें तो मैं मालूम नहीं कैसे कि दिन शिफ्ट में हमको है। अच्छा, तो ये L&T वाले जो ये बनवा रहे हैं उनका क्या बताया गया, कितने लोगों की जान गई है? वो तो कहें कि 2 गो की गई है, एक है जो सीरियस है हो, और 2-4 गो के है जो झटका भी लगा है जो। अच्छा, आप जब ऐसा होता है तो ड्राइवर बता देते हैं कि ब्रेक खराब है या ब्रेक फेल है या इस तरीके की चीज़ है, तो क्या बताया गया था? हाँ, बताया गया था, सुनने में आया है। हाँ। कि बताया गया था। बताया गया जी। अच्छा, ये टनल आगे किधर जा रहा था? ये गांधी मैदान की तरफ जी? नहीं, PMCH की ओर। अच्छा, ये PMCH की तरफ जाता। कितना मीटर अंदर ये जो फेल हुआ है इसका ब्रेक? वो तो हमको मालूम नहीं। आप कह रहे थे कि 100 मीटर के अंदर करीब? अभी अंदर तक 100 मीटर के अंदर लगभग गया है टनल। अच्छा, ये 100 मीटर अंदर टनल गया हुआ है। हाँ। चलिए, तो देखिए, ये जो टनल है ये 100 मीटर के अंदर गया है। देखिए, क्योंकि सावधानी बरतनी होती है इसलिए हम दूर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये टनल है जो पटना मेट्रो का है, L&T के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ के लोग का ये साफ कहना है कि ये जो टनल आप देख रहे हैं इसके आगे एक इंजन लगा होता है। ये 2 बोगियां आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसके आगे इंजन होता है। और कोशिश जरूर करेंगे कि हम वो तस्वीर दिखाने की, क्योंकि
किस तरीके से ये घटना हुई है और इस घटने में दो लोगों की जान गई है। वहीं करीब 6 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे नीचे जाकर, क्योंकि ये टनल जो है वो करीब 100 मीटर अंदर जाता है और अंदर जाकर जो बॉगी का इंजन है वो उसका ब्रेक फेल होता है और उसके बाद इस तरीके की घटना जो है वो होती है। देखिए ये वो टनल है और यहाँ से करीब 100 मीटर अंदर जो है वो इंजन गया हुआ है और यही टनल है जिसके अंदर ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। देखिए ये बोगियाँ बनी हुई हैं और ये वही बोगियाँ हैं जो मिट्टी आमतौर पर निकालती हैं और इसी मिट्टी को निकाल कर ये बड़े से मशीन जहाँ पर LNT लिखा हुआ है, इसी मशीन्स के द्वारा इन सारी मिट्टियों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन कल जब देर रात इसके अंदर खुदाई हो रही थी, देखिए दो रास्ते हैं, एक निकलने का रास्ता और एक जाने का रास्ता। ये रास्ता पटना जो कह सकते हैं कि PMCH की तरफ जाने का रास्ता है और इसी के अंदर खुदाई चल रही थी, जो मिट्टी है वो काट के निकाला जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये घटना हुई, वो उस वक्त ये हादसा हुआ जहाँ पर दो लोगों की जान चली गई ब्रेक फेल होने की वजह से, और ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से इसमें भरा हुआ था और इसी वजह से ये घटना हुई है। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई है, वहीं 6 लोग जो हैं बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हालांकि एक की कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नासाज जो है वो तबीयत है, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेंटिलेटर पर हैं, CCU में हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं इसे दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन जो सरकारी कह सकते हैं कि जो DM और SP ने जो बयान दिए हैं उसमें साफ बताया गया है कि दो व्यक्ति की जान गई है और इसी टनल के अंदर खुदाई की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान हादसा हुआ। दरअसल टनल की खुदाई के दौरान मिट्टी निकालने वाले लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया जिससे 8 लोग मशीन की चपेट में आ गए, तो वहीं 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई और अन्य मजदूर फिलहाल घायल हो गए। हादसे के बाद से टनल निर्माण का काम रोक दिया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष ने मौके का जायजा लिया है, उस पर एक नजर। पटना मेट्रो में 2 व्यक्ति की जान चली गई। देखिए पटना मेट्रो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण LNT के द्वारा किया जा रहा है, जो पटना के गांधी मैदान इलाके में जो निर्माण हो रहा था, इसमें मिट्टी में दबने से 2 लोगों की जान चली गई है। ये देखिए वही लोडर्स हैं, उसके आगे एक लोको था। ये वो लोको होता है जिसमें कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो आगे जाते हैं और इसी लोडर के अंदर जो है मिट्टी दबा हुआ था जिसकी वजह से 2 लोगों की जान जो है वो चली गई। अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये रेलवे का नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इसी 2 बोगियों में जो है मिट्टी रखा जाता है अंदर खुदाई के बाद और इस मिट्टी को बाहर निकाला जाता है ताकि जो अंदर साफ है वो किया जा सके और अंदर तक खुदाई की जा सके। दूसरी तरफ देख सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मशीनरीज लगी हुई है जो इस मिट्टी को बाहर निकालती है। चश्मदीदों का कहना है कि कल देर रात इस जो टनल है इसके अंदर 6 से 7 व्यक्ति थे, लेकिन जब मिट्टी बाहर निकाली जा रही थी तो ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने की वजह से लोडर जो है वो सीधा जाकर टकरा गया और 2 व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि सिर्फ 2 व्यक्ति की जान ही नहीं और 6 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। और ये टनल की अगर बात की जाए तो 100 मीटर से ज़्यादा अंदर तक इसकी खुदाई हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में ये खलबली मच गई जब ये 2 व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि और 6 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वरना हम वो तमाम तस्वीरें दिखाते किस तरीके से टनल जो है वो बने हैं, टनल के निर्माण की गुणवत्ता दिखाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो देख सकते हैं किस तरीके से ये टनल जो है अंदर जा रहा था और इसी टनल के अंदर दबने की वजह से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि टनल की खुदाई रात 9 बजे हो रही थी जब लोडर के पीछे 2 और बोगियां लगी हुई थी जिसे मिट्टी को टनल से बाहर लाया जा रहा था। उसी दौरान लोडर का ब्रेक फेल हो गया और यह घटना हुई है। तो वहीं न्यूज़ स्टेट संवाददाता उत्कर्ष ने लोगों से भी इस पूरी घटना को लेकर के बातचीत की है। पटना में मेट्रो टनल के निर्माण में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कई लोग हैं जो उसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। आप यहीं पर काम करते हैं? जी हाँ, यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार शर्मा। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए कि ये किस तरीके से हादसा हुआ? आप बता रहे थे कि नीचे एक इंजन होता है, एक लोको होता है, क्या होता है? लोको इंजन होता है। हाँ, वही ब्रेक फेल है, सुने कि ब्रेक फेल हो गया है। अच्छा। हाँ, हम तो दिन में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो ये क्या चीज होता है, इंजन से क्या काम होता है, कहाँ पे जाके ब्रेक? इंजन जाके अंदर जाती है। अच्छा। अंदर से मशीन के द्वारा वो डब्बा में मिट्टी गिरता है और उसको से बाहर लाया जाता है। ये किरान है ना। हाँ। किरान ऊपर खींच के वो
हाथी में डाला जाता है। जो वो लोको होता है वो मिट्टी खींच के अंदर से बाहर लाता है और उसको बाहर फेंका जाता है, तो उस इंजन का जो है वो ब्रेक फेल हो गया। अंदर कितने लोग उसमें, तो मैं मालूम नहीं कैसे कि दिन शिफ्ट में हमको है। अच्छा, तो ये एलएनटी वाले जो ये बनवा रहे हैं उनका क्या बताया गया, कितने लोगों की जान गई है? वो तो कहे कि दो गो की गई है, एक है जो सीरियस है वो, और दो चार गो के है जो झटका भी लगा है जो। अच्छा, जब ऐसा होता है तो ड्राइवर बता देते हैं कि ब्रेक खराब है या ब्रेक फेल है या इस तरीके की चीज़ है, तो क्या बताया गया था? हाँ, बताया गया था, सुनने में आया है कि बताया गया था। बताया गया जी। अच्छा, ये टनल आगे किधर जा रहा था? ये गांधी मैदान की तरफ जी? नहीं, पीएमसीएच की ओर। ये पीएमसीएच की तरफ जाता है। कितना मीटर अंदर ये जो फेल हुआ है इसका ब्रेक? वो तो हमको मालूम नहीं। आप कह रहे थे कि 100 मीटर के अंदर करीब, अभी अंदर तक 100 मीटर के अंदर लगभग गया है टनल। अच्छा, ये 100 मीटर अंदर टनल गया हुआ है। हाँ, चलिए तो देखिए, ये जो टनल है ये 100 मीटर के अंदर गया है। देखिए, क्योंकि सावधानी बरतनी होती है इसलिए हम दूर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये टनल है जो पटना मेट्रो का है, एलएनटी के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ के लोग का ये साफ कहना है कि ये जो टनल आप देख रहे हैं इसके आगे एक इंजन लगा होता है। ये दो बोगियाँ आपको नजर आ रही हैं लेकिन इसके आगे इंजन होता है, और कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम वो तस्वीर दिखाने की, क्योंकि किस तरीके से ये घटना हुई है और इस घटने में दो लोगों की जान गई है, वहीं करीब 6 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे नीचे जाकर, क्योंकि ये टनल जो है वो करीब 100 मीटर अंदर जाता है और अंदर जाकर जो बोगी का इंजन है वो उसका ब्रेक फेल होता है और उसके बाद इस तरीके की घटना जो है वो होती है। देखिए, ये वो टनल है और यहाँ से करीब 100 मीटर अंदर जो है वो इंजन गया हुआ है और यही टनल है जिसके अंदर ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। देखिए, ये बोगियाँ बनी हुई हैं और ये वही बोगियाँ हैं जो मिट्टी आमतौर पर निकालती हैं, और इसी मिट्टी को निकाल कर ये बड़े से मशीन जहाँ पर एलएनटी लिखा हुआ है, इसी मशीन्स के द्वारा इन सारी मिट्टियों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन कल जब देर रात इसके अंदर खुदाई हो रही थी, देखिए दो रास्ते हैं, एक निकलने का रास्ता और एक जाने का रास्ता। ये रास्ता पटना जो कह सकते हैं कि पीएमसीएच की तरफ जाने का रास्ता है, और इसी के अंदर खुदाई चल रही थी, जो मिट्टी है वो काट के निकाला जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये घटना हुई, वो उस वक्त ये हादसा हुआ जहाँ पर दो लोगों की जान चली गई ब्रेक फेल होने की वजह से, और ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से इसमें भरा हुआ था और इसी वजह से ये घटना हुई है। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई है, वहीं 6 लोग जो हैं बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हालांकि एक की कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नासाज जो है वो तबीयत है, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेंटिलेटर पर हैं, CCU में हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं इसे दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन जो सरकारी कह सकते हैं कि जो DM और SP ने जो बयान दिए हैं उसमें साफ बताया गया है कि दो व्यक्ति की जान गई है और इसी टनल के अंदर खुदाई की वजह से।